हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील दीप होम जयपुर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो है मैं आपको 183 वर्ग गज में बना हुआ 4 BHK का एक बहुत ही बड़ी साइज का आपको हाउस दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन आपको बताऊं तो 28 का इसका फ्रंट है और 59 की इसकी डेप्थ है। 28x59 की डायमेंशन में बना हुआ ये आप देख रहे हैं जो वेस्ट फेसिंग का हाउस है, इसका अभी हम टूर करने वाले हैं। और ये एक ऐसी सोसाइटी में बना हुआ है जहाँ पे बिजली, पानी, सीवरेज, गार्डन, स्कूल्स, बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी आपको सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी। माहेश्वरी पब्लिक जो स्कूल है, जयपुर की फेमस स्कूल है, वो स्कूल इसी कॉलोनी में है। और ये जो कॉलोनी है अंसल सुशांत सिटी फर्स्ट के नाम से है, कालवाड़ रोड पे ये लोकेटेड है। आप इसका एक बार एलिवेशन देखिए यार, घर का बहुत ही प्यारे तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रंट आपको यहाँ पे 28 का मिल रहा है तो पार्किंग वगैरह के लिए बहुत ही स्पेसियस जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आप फ्रंट में देखोगे तो ये जो पार्ट है आप यहाँ पे गार्डन डेवलप कर सकते हैं। और ये यहाँ पे अपना रैंप का एरिया है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ जो अपनी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल पे आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे डिज़ाइन दी हुई है। नेम प्लेट वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, गेट लाइटें वगैरह आपको यहाँ पे लगा के दी जाएगी। और पार्किंग का बहुत ही मतलब स्पेशियस आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। अगर फॉर्चुनर कार तक आप यहाँ पे पार्क करना चाहो तो देख ही सकते हैं कितना स्पेशियस आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिल रहा है। आराम से बड़ी कार खड़ी करने के बाद भी बहुत जगह यहाँ पे बच जाएगी। बाइक वगैरह भी आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। अगर छोटी कार आप पार्क करें तो आराम से 2 से 3 कार यहाँ पर पार्क हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए मेन जो अपनी एंट्री है हॉल की, वो उधर से होने वाली है। और यहाँ भी आपको पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया अवेलेबल हो रहा है। यहाँ की डिज़ाइन से एक बार देख लीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ लाइट्स दी हुई है। और ये अपना जो सामने की तरफ एक बेडरूम है, चाहे तो आप इसे गेस्ट रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, उसकी एंट्री सामने से मिल रही है, एक अपने हॉल के एरिया से मिल रही है। तो हम एक बार यहाँ से चलते हैं हॉल के एरिया की तरफ से। दोस्तों 183 वर्ग गज में बना हुआ ये हाउस आपको 50 लाख रुपए में मिलने वाला है। कलेक्ट्रेट अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है। और लोन की मैं बात करूँ तो HDFC और LIC जैसे बैंक भी इस पर लोन कर देंगे। अब देखिए अपनी जो एंट्री है हॉल की, उस पर जो मेन अपना डोर है वो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। और ये है आपका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया, देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। आराम से आप यहाँ पे लिविंग डाइनिंग दोनों एरिया सेटअप कर सकते हो। अब मैं इसके फ्लोर प्लान की बात कर लेता हूँ। पीछे की तरफ यहाँ पे 2 बेडरूम है, साइड में यहाँ पे किचन है और आगे एक बेडरूम है जो कि अटैच बाथरूम के साथ में है। एक बार यहाँ ऊपर की जो डिज़ाइंस है वो आप देख लीजिएगा। सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे हो रखी है। सामने की तरफ आपका ओपन किचन है और किचन पूरा आपको मॉड्यूलर यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। देख ही सकते हैं आप नीचे की तरफ ड्रॉअर वगैरह इसमें प्रॉपर है, स्टेनलेस स्टील का अंदर की तरफ यहाँ पे काम हो रखा है। ऊपर की तरफ कुछ कैबिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, टाइल वर्क यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ है आपका सिंक एरिया। विंडो जो है किचन के सामने पार्किंग का, पोर्च का जो अपना एरिया है उधर की तरफ ओपन हो रही है, तो वेंटिलेशन वगैरह तो घर में पूरा प्रॉपर है ही। यहाँ है आपका कॉमन बाथरूम जो कि इंडियन सीट के साथ में है। और ये है यहाँ पे जो फ्रंट का आपका रूम था, वो रूम आप देख लीजिए कितना स्पेशियस है। और सामने की तरफ बड़ी सी यहाँ पे विंडो है। ऊपर की तरफ यहाँ भी आपको प्यारा सा सीलिंग का काम मिल जाता है। एसी फिटिंग के पॉइंट आपको यहाँ पे सभी जगह मिल जाएंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें मिल जाएगा आपको अटैच में बाथरूम वेस्टर्न सीट के साथ में। एक बार देख लीजिए लुक इसका। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए ये है आपका वॉश बेसिन एरिया जिसमें टाइल्स का वर्क किया हुआ है और अभी यहाँ पे वो वॉश बेसिन लगना बाकी है जो कि आपको लगा के दिया जाएगा। आगे की तरफ चले तो साइड में एक बेडरूम है, एक इधर लेफ्ट में बेडरूम है। पहले देख लेते हैं ये वाला। ग्यारह बाई 14 की साइज़ में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। विंडो आपके पीछे यूटिलिटी एरिया की तरफ खुल रही है। सामने की तरफ आप देखिए यहाँ मिल रही है डबल वार्डरोब आपको जो कि आयरन में बनी हुई है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ आपको POP का वर्क मिलने वाला है। यहाँ है आपका
एक और बेडरूम जो कि फिर से अटैच बाथरूम के साथ मिल रहा है, और ये भी काफ़ी स्पेशियस है बेडरूम। वार्डरोब आपको इस यहाँ भी मिल जाएगी, और यहाँ है आपका अटैच में बाथरूम, और ऊपर की तरफ जो है आपको सीलिंग का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। बाथरूम देख लीजिए एक बार, 5x10 की साइज में ये बाथरूम मिल रहा है। वेंटिलेशन सभी जगह प्रॉपर है, बाथरूम वगैरह है, किचन है, सबके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये आपका बैकयार्ड का एरिया है। साइज आप देखोगे लगभग 4x20 के आसपास की यहाँ पे आपको ये बैकयार्ड का जो एरिया है वो मिल जाता है। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन का पॉइंट है, और यहाँ साइड में आप देखोगे तो एक आपको अलग से एक छोटा स्टोरेज के लिए रूम मिल जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर देखा, और ग्राउंड फ्लोर पे टोटल यहाँ पे 3 बेडरूम है और 3 यहाँ पे बाथरूम है, जिनमें से 2 यहाँ पे अटैच बेडरूम के साथ में अटैच है, 1 यहाँ पे आपका ओपन किचन है। अब हम यहाँ से ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कैसा क्या कंस्ट्रक्शन हो रखा है, आसपास की लोकेलिटी किस तरह की है। सीढ़ियों में आपको यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज मिलेगा। अट्ठाईस के फ्रंट के साथ ये हाउस मिल रहा है आपको, और रेट जो है इसकी 50 लाख है। कलेक्ट्रेट अप्रूव्ड, HDFC LIC बैंकों से लोनेबल प्रॉपर्टी है। सामने की तरफ इसमें एक बाथरूम है, एक आपका बेडरूम है, बाकी जो छत है यहाँ पे ओपन छोड़ी हुई है। यहाँ से एक बार देख लीजिए आप आसपास बसावट किस तरीके की है। यहाँ आपका एक कॉमन बाथरूम वेस्टर्न सीट के साथ में, और ये है एक बेडरूम। फिनिशिंग वगैरह का काम अभी कुछ बाकी है, यहाँ पे कुछ सैनिटरी फिटिंग्स लगानी बाकी है, वो भी यहाँ पे जल्द ही लग जाएगी। अब देखिए आप एक बार बालकनी का जो एरिया है वो 4x25 के आसपास आपको यहाँ पे बालकनी एरिया मिल रहा है। सामने की तरफ बढ़िया सा यहाँ पे ग्लास और SS का काम हो रखा है रेलिंग में। ऊपर की तरफ आप देखोगे ऊपर आपको यहाँ पे वुडन फिनिश में वर्क मिल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो यार, कमेंट में आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा। आप इसकी अगर विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे और भी प्रॉपर्टी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं अदर लोकेशन में, कुछ प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां आप अपनी मतलब नीड के हिसाब से आप सर्च कर फिल्टर करके प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।